अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे। ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि एक सवाल मेरे पास काफ़ी बार आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका जवाब दे दिया जाए, लेकिन थोड़े अलग तरीके से दिया जाए। सवाल क्या है वो तो वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा, लेकिन पहले जवाब हम सुन लेते हैं। और ये जवाब मैं एक स्टोरी के माध्यम से देने जा रही हूँ, और ये जो स्टोरी है कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि रियल स्टोरी है गैरिन जॉन्स की। गैरिन जॉन्स सुपर मॉडल थे, अभी मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ ही साथ एक रियल स्टेट के टाइकून भी हैं। इनका जन्म टेक्सास में हुआ था, बहुत ही गरीब घर में हुआ था, अपनी सिंगल मदर के साथ रहते थे और इनके इनको अपनी गरीबी पसंद नहीं थी। तो गरीबी जब पसंद नहीं थी तो क्या करते थे, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए इन्होंने एक अलग रास्ता अपना दिया, यानी कि चोरी करना और गाड़ी की तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया था। और लोगों के पास जा जा के एक लाइन को बोलते थे, मतलब बोलते थे कि मैं यहाँ पर ऑडिशन देने जा रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तो सुपर मॉडल हूँ, मुझे बड़ी बड़ी जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं मुझे हायर कर रही हैं, मैं सुपर मॉडल हूँ, इस तरीके की बातें करते थे। लेकिन लोगों को इनकी बातों पर विश्वास नहीं होता था, इसलिए भी नहीं होता था क्योंकि जिस इलाके में ये रहते थे उस इलाके से आज तक कोई बाहर गया ही नहीं था, तो लोगों को लगता था कि अरे कोई गया ही नहीं है तो ये कैसे जा सकता है। और धीरे धीरे करके लोग इनको इग्नोर और अवॉइड करना भी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये आएगा फिर दिमाग को चाटेगा, यही लाइन को बोलेगा बार बार, तो लोग देखकर भागना भी स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन ये रुकना स्टार्ट नहीं किए थे। फिर किस्मत ने इनका इनका ही साथ लेना, मतलब साथ दिया, और इनका सिलेक्शन हो गया फुटबॉल गेम में और उनको भेजा गया एक बड़े से शहर में, जो कॉलेज की स्पोर्ट्स कोटा होता है उसके थ्रू इनको भेजा गया बड़े से शहर में। वहाँ पर अपने एक रिश्तेदार के साथ ये रहना स्टार्ट कर दिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ पर भी झगड़ा हो गया तो रिश्तेदार ने भी घर से निकाल दिया। और फिर रहेंगे कहाँ, तो दो जैपनीज लड़कियाँ थी जो कि स्पोर्ट्स कोटा में इनके साथ ही आई थी, तो उनके साथ ये रहना स्टार्ट कर दिए। फिर बाद में इनका सपना अभी भी नहीं मतलब चमक रहा था इनकी आँखों में, तो सुपर मॉडल बनने का सपना, तो अब ये सोच रहे थे कि मुझे ऑडिशन देने के लिए तैयारी करनी है। लेकिन रास्ते में आ रहा था एक अड़चन, वो क्या था, ये तोतलाते बहुत थे। अब ये जो तोतलाते हैं उसको हटाने के लिए ईजिएस्ट तरीका लगा इनको किताबें पढ़ने का। तो इनके हाथ में जो पहली किताब आई वो किताब थी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब वो किताब को किस तरीके से पढ़ते थे, जोर जोर से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अब जब जोर जोर से पढ़ते थे तो हुआ क्या कि तोतलानापन तो खत्म हो गया, लेकिन साथ ही साथ एक और बेनिफिट इनको हुआ कि पावर ऑफ जो पॉजिटिव थिंकिंग की जो बातें थी इनके दिमाग में चली गई, इनके जहन में चली गई। हर एक लाइन को इन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा था, कई बार किताबों को पढ़ा था कि हर एक लाइन इनको याद हो गई थी और उस पर अमल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब ये तैयार थे मेंटली और फिजिकली भी तैयार थे, यानी कि तोतलानापन भी इनका ख़त्म हो गया था। फिर इन्होंने एक लिस्ट बनाई, करीबन 20 एजेंसीज की लिस्ट बनाई जहाँ पर इनको जाना था और ऑडिशन देना था। जहाँ पर भी जाते थे वहाँ से रिजेक्ट हो रहे थे, क्योंकि एक तो हाइट थोड़ी सी कम थी और थोड़ा सा रंग के लिए भी, मतलब कि थोड़े से सांवले भी थे, तो शायद इसीलिए भी इनको नहीं लिया जा रहा था। तो फिर बाद में, लेकिन तब भी ये हिम्मत नहीं हार रहे थे क्योंकि इनके अंदर से एक इम्पल्स बार बार आ रहा था कि कोई बात नहीं, और ट्राई करो, और ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई, इस तरीके से इम्पल्स आता था, एक आवाज़ आती थी। फिर लास्ट एक जो मॉडलिंग एजेंसी है वहाँ पर ये गए और ये लास्ट शख्स ही थे वहाँ पर गए, तो जैसे ही वो देखते हैं कि इतने सारे मॉडल, इतने सारे जो लोग आ रहे हैं ऑडिशन दे रहे हैं, काफ़ी मतलब दिखने में अच्छे भी हैं, उनके पास पोर्टफोलियो भी है, उनका प्रोफाइल भी स्ट्रांग है, दिखने मतलब कि कपड़े भी अच्छे पहन रखे हैं, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे कपड़े भी पहने नहीं थे, इनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, इनको पोर्टफोलियो भी अच्छा नहीं था, तो ये सोचे थे कि
करीबन 15-16 लोगों का तो रिजेक्शन हो गया है, मेरा भी डेफिनेटली हो ही जाएगा, तो ये पीछे मुड़कर जाने के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही उठ के कदम आगे बढ़ा रहे हैं दरवाजे की तरफ, तो फिर से इंपल्स बहुत ही स्ट्रांग हो गया, अंदर की आवाज़ बहुत ही स्ट्रांग हो गई और बोलने लगी कि पीछे मुड़ो और जाओ ऑडिशन दो। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहां पर जो ऑडिशन ले रहे थे इनको देखते ही एक लाइन को बोलते हैं, यू आर नॉट लाइक एवरी वन एल्स, तुम अलग हो बहुत। और इनको एकदम अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये लाइन ये हमेशा बोलते थे कि आई एम नॉट लाइक एवरी वन एल्स, मैं बहुत ही अलग हूँ। जैसे ही उन्होंने मतलब कि उस इंसान ने इनको देखा तो उन्होंने फाइनल कर दिया उनको और बोला कि कल तुमको दो जगह पर जाना है जहाँ पर मॉडलिंग के लिए तुमको ऑडिशन देना है, तुम्हारा सिलेक्शन वहाँ पर मॉडलिंग के लिए तुमको करना है। तो क्योंकि काफ़ी दूर भी था और इनके पास पैसे भी नहीं थे, तो दो जगह पर जाना के लिए तो सोचा कि उन्होंने कि मैं एक जगह पर जाता हूँ, शू के लिए कुछ शूज़ के लिए कुछ इनको मॉडलिंग का कुछ वो करना था, ऑडिशन देना था, तो वहाँ पर चले जाते हैं। दूसरी जगह जा नहीं जाते हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर भी था और वो म्यूज़िक कोई एल्बम थी जहाँ पर इनको प्रेमी का रोल के लिए ऑडिशन देना था, तो ये दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं। पहली जगह पे चले जाते हैं और ऑडिशन देकर घर आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन कॉल आता है और उनको बोला जाता है कि कंग्रेचुलेशन, तुम दोनों जगह पे सिलेक्ट हो गए हो। तो ये बोलते हैं कि दोनों जगह कौन सा, तो बोला कि शूज़ जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है उन्होंने तुमको ले लिया है, और जो दूसरा जो एल्बम के लिए भी था वहाँ पे भी तुमको सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि जो वो जो म्यूज़िक की जो जो भी सिंगर थी वो आई थी और तुमको देखी थी, तुम्हारा पोस्टर देखी थी, पोस्टर में तुम्हारा फोटोग्राफ देखी थी, तो उनको तुम पसंद आ गए और तुमको हायर कर लिया है उन्होंने। तो फिर उसके बाद किस्मत फिर से अपना रंग बदली और फिर उसके बाद ये सुपर डुपर मॉडल बन गए, बहुत सारे पैसे आने लगे। जब पैसे आने लगे तो कहीं ना कहीं फिर इनका फिर से वो जो किताब थी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जब पैसे आते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अब हम सब सीख चुके हैं, अब क्या ज़रूरत है पीछे मुड़ने की और किताबें पढ़ने की, तो किताबें पढ़ना इन्होंने छोड़ दिया। तो हुआ क्या कि रंग बदल दिया किस्मत ने, क्योंकि किस्मत हमको सिखाती है ना, हर बार कुछ ना कुछ हमारे जीवन में अगर कॉन्ट्रास्ट आता है तो लेसन लर्न करवाने के लिए आता है। तो हुआ क्या कि अब ये फंस गए एक ड्रग सप्लाई में। इनको पता था कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ भर कर दिया जाता है और जो ये सप्लाई करते, क्योंकि बड़े बहुत ही बड़े सुपर मॉडल थे तो कोई चेक भी नहीं करेगा, तो इस तरीके से ये सप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन इनके अंदर की आवाज़ बोलती थी कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, लेकिन तब भी पैसे की लालसा जो कि इनके अंदर की आवाज़ को भी रोक रही थी, तो दिमाग बोल रहा था कि नहीं सब कुछ ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हुआ क्या कि ये पकड़े जाते हैं और इनको 2 साल की जेल हो जाती है। अब वहाँ पर इतना सारा खाली समय था, शादी भी हो गई थी, बच्ची भी थी इनकी, बच्ची से अलग हो गए थे, बीवी से अलग हो गए थे, मतलब अब तो मिलना ही नहीं हो पा रहा था, तो खाली समय बहुत था। फिर उधर जेल में इनके हाथ में लगी एक किताब और वो किताब वही थी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। किताब को फेंकने वाले थे, परेशान थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को रोका और दिल की आवाज़ को सुना। दिल की आवाज़ क्या थी, तुम आज तक तो यही करते आ रहे हो ना, रुक जाओ। और वो किताब को फिर से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, करीबन 300 बार उस किताब को उन्होंने पढ़ा है और उन्होंने वो सारे काम करने स्टार्ट कर दिए जो काम इनको पसंद नहीं थे। अगर इनको ये चीज़ खाना पसंद नहीं है तो अब वही खाना पसंद करने लगे और ये लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड से इतना अच्छा लिखना स्टार्ट कर दिए कि उनकी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर हो चुकी थी। मतलब कि लेफ्ट हैंड जो राइटी होते हैं वो लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पाते हैं, है ना, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी और जो किताब थी उसको कई बार पकड़ लिया था। अब हुआ क्या कि पैसे तो नहीं थे इनके पास, क्योंकि अब ऐसे केस में फंसे हैं तो सारा सीज भी मतलब कि सील्ड भी हो जाता है, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं कहीं ना कहीं बंद कर दिए जाते हैं। तो हुआ क्या कि पैसे नहीं थे तो लॉयर को भी ये हायर नहीं कर सकते थे,
लेकिन इनके पास एक नोटिस आता है कि आपका जो जो और आगे की जो कार्रवाई थी वो स्टॉप कर दी गई है और आपको माफ़ कर दिया गया है, आपको जेल से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि जो वो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई ड्रग नहीं है बल्कि वो वाइट पाउडर था। सोचिए, आज तक इनको समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे, क्योंकि इनको भी पता है, पता था कि वो मतलब कि ड्रग ही सप्लाई करते थे, है ना, कुछ गलत ही करते थे, लेकिन ये हुआ कैसे कि वो वाइट पाउडर निकला, है ना, और आज तक इनको समझ नहीं आया। और लेकिन इन्होंने अभी भी काफ़ी सारी किताबें ये पढ़ते हैं और पॉजिटिव पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को बहुत बार पढ़ते हैं। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, सवाल क्या मेरे पास आया था, सवाल ये आया था कि मैडम प्रैक्टिस रोज रोज करना जरूरी है क्या? और सेम प्रैक्टिस सेम चीजें, बिल्कुल जी हाँ जरूरी है। अभी आपको स्टोरी बताया कि वो दूर हो गए तो हुआ क्या, जेल में पहुंच गए। जब आप प्रैक्टिस रोक देते हैं तो जहां पर हैं वहीं पर फिर से पहुंच जाएंगे, फिर से वैसे ही नॉर्मल इंसान बन जाएंगे, जो मैजिक से जादू से दूर हो जाएंगे, जिनको विश्वास नहीं होगा परमात्मा में या किसी पर भी विश्वास नहीं होगा। आपको क्या लगता है, इतने बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो लाखों रुपए लेते हैं, वहां पर इतने सारे लोग क्यों जाते हैं? क्या सारे लोग सवाल पूछने के लिए जाते हैं? नहीं, सारे लोग कोई सवाल पूछने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि वो तो जाते हैं अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि उस माहौल में अगर ये ज़्यादा देर तक रहेंगे, उस मोटिवेशनल स्पीकर की बातों को सुनेंगे, तो वो सारी बातें जब इनके अंदर जाएंगी, उनका वाइब्रेशन हाई होगा, तो उनकी उनके जो सारे सपने हैं वो पूरे होने लगेंगे, क्योंकि जो सपने हैं वो हाई वाइब्रेशन के हैं। तो जब आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो सपने ऑब्वियसली आपके पास आ जाएंगे। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जी हाँ, प्रैक्टिस डेली जरूरी है, और सेम ही प्रैक्टिस रहेगी, कोई अलग प्रैक्टिस तो नहीं रहेगी। जिम में जाकर डंबल उठाने का तो सेम ही तरीका है, 5 kg, 10 kg, 15, 12 या 50 kg जो भी है, एक ही तो तरीका है, कोई अलग तरीका थोड़ी ना है, सेम ही प्रैक्टिस करने पड़ेगा। दौड़ने के लिए भी सेम प्रैक्टिस ही करना है, लेकिन वही सेम प्रैक्टिस सेम प्रैक्टिस सेम प्रैक्टिस करने से आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे। पहले दिन आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन फिर बाद में मेहनत ज़्यादा नहीं होगी, है ना। तो प्रैक्टिस करिए, क्लासेस को बीच में ना छोड़े, कंसिस्टेंट रहे, है ना, क्योंकि पतीले में रखा हुआ पानी भी तभी बॉयल हो सकता है, या तवे पर रखा हुआ जो रोटी है तभी पक सकता है जब गैस स्टोव एक ही फ्लेम में चले। अगर बार बार आप कभी ऑन ऑफ गैस को करते रहेंगे तो कभी पानी गर्म नहीं होगा और रोटी भी नहीं पकेगी, या तो रोटी टाइट हो जाएगी या तो पानी ठंडा हो जाएगा, और वो टाइट रोटी आप खा नहीं पाएंगे। आपने भी देखा होगा, गैस सिलेंडर अगर खत्म हो जाए और तवे पे रखी हुई रोटी को हीट ना मिले सेम तापमान, तो वो रोटी टाइट हो जाती है, फिर आप तो चिड़िया को ही तोड़ के डाल देते हैं, खाया तो नहीं जाएगा वो, दांत से चबाया नहीं जाएगा। तो बुखार को उतरने और चढ़ने ना दे, सेम तापमान में रखे, जो आपका बॉडी टेम्परेचर है उसी पर रखे, है ना। क्लासेस को ऐसे डिसकंटिन्यू, बीच में कभी डीमोटिवेशन हो गया तो क्लास को अटेंड कर लिया, थोड़ा सा मोटिवेशन हो गए तो क्लास को छोड़ दिया, है ना, तो छोड़ देंगे तो फिर से जहाँ पर हैं वहीं पर पहुँच जाएंगे। यही सवाल था जो मैंने आप लोगों को बताया। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 8 अप्रैल से मेरे 10 डेज का माइंडफुलनेस सेशन हो रहा है। जो लोग मॉर्निंग सेशन को नहीं ले ले पाते हैं किसी भी कारणवश, या तो जग नहीं पाते हैं मॉर्निंग जो है उठ नहीं पाते होंगे, या कुछ काम की वजह से वो व्यस्त होते होंगे तो नहीं अटेंड कर पाते हैं मेरी क्लासेस को, तो उन्हीं के लिए मैंने 12:30 बजे से स्टार्ट किया है 10 दिन के लिए माइंडफुलनेस सेशन। तो रजिस्टर कीजिए अपने आप को। और मैं आपको बताना चाहूँगी एक और चीज़ कि ओपनली बताना चाहूँगी, ये वीडियो बनाने के लिए करीबन अभी 14 मिनट की वीडियो हो गई है, कुछ देर में 15 मिनट की भी हो जाएगी। ये वीडियो को एक शॉट में, क्योंकि मैं वीडियो कभी भी ऐसे बीच बीच में रोक कर नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको एक उपाय भी बता दूँ, मैं वीडियो कभी भी काट कर रोक कर एडिटिंग करके नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है एडिटिंग करने का। और मैं रोक कर फिर से स्टार्ट करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि लास्ट क्या बोला था, है
ना। तो मेरा पता नहीं स्टार्टिंग से यही है कि एक शॉट में ही वीडियो बने तो बने, अदरवाइज कोई बात नहीं, जितनी बार रीटेक करना होगा मैं स्टार्टिंग से रीटेक करूँगी। तो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत बार रीटेक करना पड़ा, लेकिन इस बार मैं कॉन्फिडेंटली बिना रुके और बिना ब्रेक किए क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक मुद्रा बनाई है। ये मुद्रा ये मुद्रा आपके कंसंट्रेशन को, फोकस्ड को बढ़ाता है ना, फोकस्ड को बढ़ाता है। अगर आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं या मोदी जी, अगर मोदी जी अगर बैठे रहते हैं ना, तो आपने देखा, आप देखिएगा उनकी हाथों हाथ किस तरीके से बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं, है ना। तो ये मुद्रा बनाकर अगर आप कुछ भी बोलेंगे, बातें करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है। यूज़ करके देखिएगा, है ना। थैंक यू। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू। विश यू हेल्थ।